यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस आरिश खान के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बट एक वीडियो को लाइक करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास 5 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस कार्स हैं, लाइक जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा थार, वैगनार, अटा हैरियर। ठीक है, ये 5 ऐसी गाड़ियाँ मैं चुनकर ऐसी लाया हूँ जो कि मतलब हर सेगमेंट की एक अच्छी गाड़ी है। ठीक है, प्लस दोस्तों ये देखो यहाँ पर ना कितना ज़्यादा कीचड़ जमा हुआ है, तो इन गाड़ियों को ना यहाँ से चलना है। देखो मैं तुम्हें बताऊँगा गाड़ी का चैलेंज क्या है, कार्स को दोस्तों यहाँ से चलना है, पानी के बीच में आएंगे, दलदल वाला पानी है, बिल्कुल दलदल वाला पानी, इसके बीच में को चलते जाना है, इधर को चलना है, इधर को चलना है, इधर को चलना है, इधर को चलना है, ऐसे घूमना है, ऐसे घूम करना, फिर पानी के बीच में को यहाँ को निकल कर और यहाँ आना है और यहाँ पर फिनिश लाइन है। तो जो गाड़ी बिना बंद हुए इस फिनिश लाइन तक पहुँचेगी वो विजेता रहने वाली है। तो गाइस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और उस गाड़ी को ना जो गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाएगी घूमकर यहीं पर वापस भी लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। तो चलो वीडियो की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले पहली गाड़ी है ये क्या कहते हैं, सफारी। तो सफारी नहीं है, वो है स्कॉर्पियो, तो इसी को चलाते हैं दोस्तों, S11। बहुत बढ़िया, क्या बहुत है यार, गाड़ी तो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, एक नंबर दोस्तों। और मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात और बताऊँ ना, देखो ये जो कीचड़ वाला रोड है ना, इतना भी ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ नहीं है। स्कॉर्पियो के व्हील ना इतनी ज़्यादा बड़े हैं भाई, इसको मतलब कीचड़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझको तो ऐसा लग रहा है आराम से भाई। पर मैं एक बात बताऊँ, ये गाड़ी इतनी ज़्यादा डूब गई दोस्तों, तो यहाँ पर वैगनार का क्या हाल होगा, वैगनार का क्या हाल होगा, ये भी तो देखो। और गाड़ी को ना दोस्तों फुल थ्रॉटल में चलाना, बिल्कुल हाफ थ्रॉटल में चलाना है, तभी तो पता चलेगा भाई कौन विजेता है कौन नहीं है, वरना दोस्तों हर बंदा विजेता बनकर बैठ जाएगा। ओ भाई बंद, आप सभी लोगों के सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 यहाँ पर बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, वो गाड़ी गाड़ी का मैटर है। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला, मैं सीधा वहाँ पर जाऊँगा और दूसरी गाड़ी उठाऊँगा। चलो बढ़िया, ये ज़्यादा लंबे भी नहीं आए दोस्तों। पर मैं जाते जाते आपसे एक बात करना चाहूँगा दोस्तों, यार मुझे ना महिंद्रा स्कॉर्पियो से ना बहुत उम्मीद थी, और कसम से बताओ ना वो उम्मीद तोड़ दी भाई इस गाड़ी ने मेरी। वैगनार जैसी गाड़ियाँ निकल जाती है इसी जगह पे को, तभी तो मैं उस गाड़ी को चैलेंज में लेकर आया हूँ, अगर तुम लोग बोलो तभी तो मैं इस गाड़ी को चैलेंज में लाया हूँ, वरना तो भाई मैं ना लाता। चलो अब यार यहाँ पर बारी है टोयोटा फॉर्च्यूनर की, देख लेते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर दोस्तों यहाँ पर कितना दम है। बहुत बढ़िया, इंडिकेटर भी जला देता है, गाड़ी खूबसूरत लगेगी। लाइट जलने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलिए दोस्तों, ओ भाई भाई फॉर्च्यूनर भी दोस्तों डूब के चल रही है। अब तुम ये देख लो, जब फॉर्च्यूनर जैसी स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी का ये हाल है, तो यार यहाँ पर उसका क्या हाल होगा। खैर मेरे हिसाब से इससे तो आगे निकलेगी भाई फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो को तो पार कर दिया भाई फॉर्च्यूनर ने। और ये भी नहीं कि मैं गाड़ी को बहुत तेज चला रहा हूँ, मिनिमल स्पीड पे। टोयोटा जैसी गाड़ियाँ, महिंद्रा जैसी गाड़ियाँ दम तोड़ने लग गई, तो फिर तो बस ये चैलेंज कम्प्लीट होवा लिया। अगर इनके जैसी गाड़ियाँ भी दोस्तों ऐसे ऐसे दम तोड़ेंगी यार, फिर क्या करेंगे हम, फिर तो गाइस हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखो यार टोयोटा भी बहुत अच्छा ब्रांड है और महिंद्रा भी बहुत अच्छा ब्रांड है, टोयोटा भाई वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा है, बट मुझे टोयोटा से इतनी घटिया उम्मीद नहीं थी, इतने से पानी के बीच में। भाई देखो गाड़ी के इंजन की पैकिंग की बात होती है, इससे ना गाड़ी के इंजन में पानी जाता है, तो ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी ने अपनी गाड़ी के ऊपर अच्छा वर्क कर रखा है। ठीक है, तो इन गाड़ियों को तो देख कर बस ऐसा लग रहा है कि वर्क जो है दोस्तों एवरेज एवरेज है, समझ रहे हो तुम, एवरेज एवरेज है और कुछ नहीं है। थार से उम्मीद है मुझे भाई, थार क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई गई है।
महिंद्रा थार से तो देखो भाई उम्मीद लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर ये भी उम्मीद तोड़ेगी फिर तो बस हुआ लिया। ओ भाई भाई थार थार कह रही है फाड़ के रख दूंगी। ओ भाई 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 ओ भाई 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 साहब ओ भाई भाई थार थार की तो बात ही अलग है दोस्तों। ओ माय गॉड भाई ये बात तो देखो पक्की है भाई, थार से कोई नहीं जीत सकता, आज ये बात थार ने भाई साबित भी कर दी, थार से भाई वाकई में कोई जीत नहीं सकता। ओ भाई साहब, तो दोस्तों इसी के साथ थार ने यार ये चैलेंज यहाँ पर जो है कंप्लीट किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है थार भाई साहब 4x4 और जो थार है वो इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई गई है, तो ये एक प्लस पॉइंट जाता है थार की तरफ ही, ठीक है ना, कि भाई थार जब ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई तो भाई ये तो चलेगी, जाहिर सी बात है हमारी तुम्हारी गाड़ियाँ थोड़ी ना चलने वाली है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, क्या मस्त गाड़ी चल रही है भाई, चलो अब इसको लेकर चलते हैं वापस। क्या बात है, कीचड़ में भी ऐसे लपक लपक के जाती है भाई गाड़ी, कह रही है भाई मैं थारू मुझे चलाओ तो। यार देखो ये बात तो है ही है यार, फिर ये बात तो है ही यार, थार तो थार है यार। बहुत बढ़िया, चलो तो पहले नंबर पे तो गाइस थार ही है जो जीती है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब तरीके से थार की जीत हुई है, मज़ा आ गया। चलो वैगनार ट्राई करने वाले हैं, वैगनार की तो भाई साहब बस तुम्हें पता ही है यार, पुंगी बजी हुई है वैगनार की, पुंगी ना बज जाए वैगनार गाड़ी की। यार वैगनार को थोड़ी सी आय तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी गाड़ी है ना, थोड़े से साइड से लेकर जाएंगे यार, क्योंकि पानी में ज़्यादा डुबाएंगे ना तो भाई ये तो वैसे भी नहीं चलेगी, तो थोड़ा पानी में डुबाएंगे इसे, क्योंकि छोटी गाड़ी है यार, ये प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इसको। ओ भाई भाई यार ये वैगनार ही है ना, या वैगनार के भेस में कोई दूसरी गाड़ी है, मुझको तो ऐसा लग रहा है भाई वैगनार के भेस में कोई दूसरी गाड़ी है, इसको हल्का से किनारे पे को चला रहा हूँ पानी के। इज दिस वैगनार, ओ माय गॉड गाइस क्या बात है यार, शर्म करो शर्म, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर शर्म करो, गाड़ी देखो ज़रा कौन सी है यार ये, और कितना खतरनाक चैलेंज है ये, कितना खतरनाक चैलेंज है ये यार। गाइज यही तो चीज़ें वो है जो सोचने पर मजबूर कर देती है भाई, आजकल क्या टाइम आ गया ये देखो यार तुम, टाइम दोस्तों वाकई में बदल रहा है यार, लिटरली बदल रहा है भाई टाइम। नाइस बहुत बढ़िया, चलो गाड़ी चलने में बहुत तगड़ी है यार, चलो नाइस मज़ा आ गया। और इसी के साथ हमने इस चीज़ को पार भी किया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। चलो अब दोस्तों लास्ट गाड़ी है टाटा हैरियर, और देखो टाटा की हैरियर से उम्मीद है मुझे, क्योंकि टाटा भाई आजकल ब्रांड बहुत तगड़ा हो गया भाई टाटा, शायद अपनी गाड़ियों के अंदर भी इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करी होगी। ओके इसको प्रायोरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाटा तो भाई बीच में कोई चले क्योंकि SUV है। ओके भाई ब्रांड ब्रांड की बात है,
ब्रांड ब्रांड की बात है। अगर ऐसे भी ना हो ना, अगर ये गाड़ी यहाँ पर भी रुकती है ना, तब भी दूसरे तीसरे नंबर पर है दोस्तों कार, पर ये रुकेगी नहीं, टाटा की गाड़ी है ना ये टाटा का भरोसा है दोस्तों, हमारी इंडियन कार है। भाई कितने पानी में को यार निकल कर आई। ये दोस्तों हैरियर, ये हैरियर है भाई। देखो हैरियर से तो मुझे उम्मीद थी भाई, हैरियर यार जीतेगी या फिर कुछ ना कुछ तो देखो दोस्तों करेगी यार हैरियर। तो गाइज देखो हमारे तीनों ना इंडिया के ब्रांड जीते हैं, मारुति सुजुकी और टाटा और महिंद्रा। महिंद्रा के प्रोडक्ट गलत हो सकते हैं दोस्तों, लाइक जैसे कि वो स्कॉर्पियो इसके लिए नहीं बना, बट थार बनाई थी ना भाई उन्होंने, कंपनी तो एक ही है ना, तो भाई महिंद्रा भी जीता है जो बात है। महिंद्रा भी दोस्तों जीता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए यार, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कमेंट करके बताइए मुझे नेक्स्ट चैलेंज कौन कौन सा यहाँ पर जो है करना चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।